अस्सलाम वालेकुम। HSK 4 के लेसन नंबर 5 का डायलॉग नंबर 3 है, वो कैबरी मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिएगा। हमेशा की तरह मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ सुनिए ना, कम से कम वो कैबरी मेरे साथ प्रोनाउंस करें, क्योंकि सुनते हुए देखते हुए अक्सर ऐसे लगता है कि बड़े आसानी से आप बाद में प्रोनाउंस कर लेंगे, लेकिन ठीक से आप प्रोनाउंस कर नहीं पाते। इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे, जितना ज़्यादा मेरे साथ प्रोनाउंस करेंगे उतना आप एक्यूरेट बाद में बोल पाएंगे। तो डायलॉग नंबर 3 का पहला वर्ड है याओ छिंग। याओ छिंग का मतलब है इनवाइट करना, दावत देना। दूसरा लफ्ज़ है फूथाओ। फूथाओ होता है ग्रेप्स यानी अंगूर। थर्ड है ईशू। ईशू होता है आर्ट या फिर फन। नेक्स्ट है क्वांकाओ। क्वांकाओ होता है एडवर्टाइजमेंट या फिर इश्तिहार। नेक्स्ट है जी वेताओ। वेताओ होता है टेस्ट। और योतियाँ होता है खूबियाँ। खूबियाँ अपने जहन में रखिएगा, मेरिट भी ठीक है, लेकिन अक्सर इंग्लिश वर्ड से भी बाद में कन्फ्यूजन रहती है। खूबियाँ यानी अच्छाइयाँ। शिजाए होता है रियलिटी यानी कि हकीकत में। अब हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ वजाहत की तरफ चलते हैं। डायलॉग नंबर 3 में स्टोरी क्या है, वांग जिंग है जो कि ली जिंग की वाइफ है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, टीचर के लिए गिफ्ट ख़रीद रहे हैं, टीचर के लिए गिफ्ट ख़रीद रहे हैं। डिटेल्स जानेंगे डायलॉग के अंदर। बेसिकली क्या है, ली जिंग वांग जिंग जै छाओ शे माई ली वू। ली जिंग और वांग जिंग सुपरमार्केट में गिफ्ट ख़रीद रहे हैं, तो टीचर के लिए गिफ्ट ख़रीद रहे हैं। देखते हैं क्या बातें करते हैं। ली जिंग कहता है ली लाओ शे याओ छिंग, टीचर ली ने दावत दी है ज़मन छुई था चा सोख कि हम उसके घर जाएं, कि हम उनके घर जाएं बतौरे मेहमान। ली जिंग बताता है वांग जिंग को कि टीचर ली ने हमें दावत दी है कि हम बतौर मेहमान उसके घर जाएं, उनके घर जाएं। गए था तय त्यार शमा ली वो हावना, कि उनके लिए क्या गिफ्ट ख़रीद के ले जाएं तो बेहतर होगा। अपनी वाइफ से मशवरा मांग रहा है ली जिंग कि टीचर के लिए क्या गिफ्ट ख़रीद के ले जाएं तो बेहतर होगा। तो वांग जिंग मशवरा देती है था खन शी खान फूथा उचियो, कि उनको वाइन बहुत ज़्यादा पसंद है, जो अंगूरों की वाइन होती है उनको बड़ी पसंद है। वो मंचो गे था माई लियांग फिंग फूथा हो चो बा, कि हम उनको दो बोटल्स ग्रेप्स वाइन की दे देते हैं, ख़रीद के दे देते हैं। वो मंचो गे था माई लियांग फिंग फूथा हो चो बा। तो ली जिन कहता है खुश यानी लेकिन चली यो चम तो चो, यहाँ पे इतनी ज़्यादा अकसाम की हैं, नीचे तो ना चो हाओ माँ, क्या तुम्हें पता है कि कौन से वाली अच्छी है। ना चोंग विच टाइप, कौन सी किस्म की अच्छी है। तो वांग चिंग कहती है वो जुएदा मेरे ख्याल में चे चोंग पूछो, ये वाली अच्छी है। वांग चिंग एक बोतल की तरफ, कोई एक शराब की किस्म की तरफ इशारा करके कह रही है कि मेरे ख्याल में ये वाली अच्छी है। निखान तुम देखो था चो फिंग सोदा तो चम ईशु, कि इसकी जो वाइन की बोतल है वो इतनी ज़्यादा फनकाराना अंदाज में बनाई गई है, यानी कि जो वाइन की बोतल है वो काफ़ी अच्छी होगी, प्यारी होगी। अच्छी और तेन से शंग चिंग छांग यो था दा क्वांकाओ, टीवी में अक्सर इसका इश्तिहार भी आता है। वह शांग मेरे ख्याल में वेताओ इंगाए पूछो, कि इसका टेस्ट अच्छा होगा ना होना चाहिए। वांग जिंग पॉइंट आउट करती है एक वाइन की किस्म पर, वो कहती है कि इसकी बोतल इतनी प्यारी, इतनी फनकाराना अंदाज में बनाई है, और टीवी में अक्सर इसका इश्तिहार भी आता है, तो मेरे ख्याल में इसका टेस्ट अच्छा होगा। तो ली जिंग कहते हैं क्वांकाओ चे हुए चे शाओ, इश्तिहार सिर्फ मुतारफ़ करवाते हैं, योद्या
अच्छाइयों के बारे में कि इश्तिहारात में सिर्फ अच्छाइयाँ ही बताई जाती हैं, छे पुख शो थादार यो दिए छुए दिए और उसकी बुराइयों के बारे में डिसएडवांटेजेस के बारे में नहीं बताया जाता। लीजिन कहता है कि इश्तिहार में तो एक चीज़ की अच्छाइयाँ ही बताई जाती हैं, बुराइयाँ तो नहीं बताई जाती। शिजी शांग असल में हंदो तुम शी पिंग पुशांग क्वांगाओ शांग शोदा न महाओ, बहुत ज़्यादा चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती जितनी के इश्तिहार में बताई जाती हैं या दिखाई जाती हैं। हंदो तुम शी बहुत ज़्यादा चीज़ें पिंग पुशांग क्वांगाओ शांग शोदा न महाओ, सो ई पुनंग वन छन शांग सिंह क्वांगाओ, इसलिए मुकम्मल तौर पर इश्तिहार पर यकीन नहीं किया जा सकता। तो वांग जिन कहती है नहीं शोधा ये तो है कि तुम भी सही कह रहे हो, मतलब वांग जिन मान रही है कि लिए जिनकी बात में लॉजिक है उसकी बात ठीक है। उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लीजिए एक नज़र, अगर कहीं पे क्वेश्चन हो कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया। ये उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन और सपोर्ट करना ना भूलिएगा, काइंडली दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।